हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ पृथक्करण की विधियां। दोस्तों इनको हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के अंतर्गत भी रख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स रीजनिंग जीके साइंस तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक पदार्थ पृथक्करण की विधियां। इसके पहले दोस्तों आप सभी से एक ही अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स इसमें हमने लगभग 12 से 15 पदार्थ पृथक्करण की विधियों को लिया है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो मिले हुए पदार्थों को अलग अलग किया जाता है और यहां से स्टूडेंट्स प्रश्न कैसे बनना होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो पुलिस भर्ती हो, एसआई हो, एसएससी रेलवे या टीईटी एग्जाम हो, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। और प्रश्न कैसे आना होते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आपसे केवल यही पूछा जाता है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से यदि अलग करना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है, या फिर ये विधि दे दी जाती है और पूछा जाता है किस विधि में क्या होता है। तो यहां हम आपको लगभग 12 से 15 विधियों को बताने वाले हैं पदार्थ पृथक्करण की विधियां। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने शामिल किया है पदार्थ पृथक्करण की भौतिक विधियों को और भौतिक विधियों में आती है मुख्यतः भौतिक विधियों का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल जो मिले हुए पदार्थ होते हैं उन्हीं को अलग किया जाता है। आज की विधियों में हमने लिया है आसवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्रोमेटोग्राफी, झाग प्लावन विधि, अपकेंद्रण बाष्पन विधि, क्रिस्टलन या क्रिस्टिलाइजेशन, निस्तारण विधि, हस्तचयन, चालन या छालन, थ्रेसिंग और निष्पावन। इन्हीं में से कुछ विधियों को हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना, ये सभी की सभी जो विधियां हैं ये भौतिक विधियां हैं, इनमें कोई भी विधि रासायनिक नहीं है, भले यहां पर ये नाम लिखे हुए है, क्योंकि इनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं जो फर्स्ट विधि स्टूडेंट्स, इसका नाम है हस्तचयन। फर्स्ट विधि का नाम क्या है स्टूडेंट्स, हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है हाथों से चुनना, ठीक है, ये सबसे प्राचीन विधि है और ये पदार्थों के पृथक्करण करने का सबसे सरल तरीका है। हस्तचयन के द्वारा मुख्यतः हम कैसी चीजों को अलग करते हैं, जब जो मिश्रण के अवयव होते हैं स्टूडेंट्स, जब ये मिश्रण के अवयव, जो मिश्रण के अवयव होते हैं स्टूडेंट्स, ये मिश्रण के अवयव जब आकार रंग आदि में बिल्कुल साफ अंतर इनमें हमें समझ में आता हो, मतलब सीधी सी बात यह है कि हम हाथों से, जैसे मान के चलो अनाज से कंकड़ अलग करना है, ठीक है, तो हाथों से उठा के अनाज से कंकड़ अलग कर सकते हो आप, ठीक है, सेब में से अंगूर को अलग करना है या किसी प्रकार केलों को अलग करना है अंगूर से, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप किसका, सीधी सी बात यह है कि आप खुद स्टूडेंट्स इसको बता सकते हो कि, अब चूंकि यहां बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसलिए हमने बताने का प्रयास यहां नहीं किया, केवल हमने दो एग्जाम लिख लिया, अनाज से कंकड़ अलग करना, से उसे अंगूर अलग करना। तो ये कैसे करोगे, हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब क्या होता है, अपने हाथों से ही उठा करके अलग करना। तो ये सबसे प्राचीन विधि है पृथक्करण की, सबसे सरल विधि मानी जाती है हस्तचयन, ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे स्टूडेंट जो दूसरी विधि है उस पर आते हैं, तो ये यहां पर लिखा हुआ है चालन, या उसी को कहते हैं छालन। चालन मतलब होता है चालना या छानना, ठीक है। तो अब ये चालन या छालन विधि का उपयोग हम कहां करते हैं, तो विभिन्न अमाप वाले ठोसों को अलग करना, मतलब विभिन्न अमाप, मतलब जिनकी माप या जो आकार है ये कैसे हैं, अलग अलग यदि आकार हैं और वो एक दूसरे में मिले हुए हैं, खासकर जो ठोस हैं, इनको अलग करने में चालन या छालन विधि का उपयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है कि कुछ कणों का आकार छोटा होता है और कुछ कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मान के चलो रेत को छाना जाता है, रेत को कंकड़ों से अलग किया जाता है, तो अपन देखते हैं रेत में जो बड़े बड़े कंकड़ मिले होते हैं, ये रेत से छन्ना के द्वारा या चालन के द्वारा ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आटे से चीनी को अलग करना, या आटा चालना, या आटा छानना। स्टूडेंट्स यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, यही आते हैं
कि निम्न में से कौन पदार्थ पृथक्करण की विधि नहीं है, या वो कहेंगे एग्जाम्पल लिख देते हैं कि रेत को कंकड़ से अलग करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त तो हो सकती है, तो चालन या छालन, आटे से चीनी को अलग करना, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं छानने वाले, ठीक है। कई अनाजों को भी दूसरे अनाज में यदि मिल जाते हैं तो कई मिले हुए अनाजों को भी छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, तीसरी जो विधि है इसे कहते हैं थ्रेसिंग, यह हमने लिखा हुआ है थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग को प्राचीन काल में दोरी कहते थे। क्या कहते थे? दोरी। हालांकि ये जो दोरी कहलाती थी इनमें बैलों का उपयोग किया जाता था, दाएं जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में बुंदेलखंड में, तो ये थ्रेसिंग को प्राचीन काल में दोरी कहते थे। थ्रेसिंग क्या कहलाती है? भूसे को अनाज से अलग करना, ठीक है, या जो अनाज के डंठल हैं उन डंठलों को अनाज से अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर करना सभी लोग जानते होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? धान के दानों से डंडियों को अलग करना, कटी फसल की फलियों से दानों को अलग करना, और एक चीज और ध्यान रखना, इस थ्रेसिंग को प्राचीन काल में मड़ाई भी कहते थे। तो ध्यान से सुने, मड़ाई, दोरी और थ्रेसिंग, ये एक ही है। थ्रेसिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली जो विधि है इसका नाम है निष्पावन, बिनोविंग, फटकनी या उड़ावनी। यहां स्टूडेंट्स एक चीज जरूर समझे आप, यहां निष्पावन शब्द लिखा हुआ है और पावन का मतलब होता है पवन, ठीक है, यहां पवन भी कह सकते हो। इसीलिए पवन मतलब किसी ऐसे पदार्थों को अलग करना जो एक भारी है और एक का वजन बहुत कम है, मतलब जिनके कहना चाहिए कि जिनके भार में बहुत ज्यादा अंतर है, ऐसे पदार्थों को अलग करने की जो विधि है इसे हम निष्पावन या बिनोविंग या फटकनी या उड़ावनी कहते हैं। आपने देखा होगा किसानों में जो कचड़ा वाली फसल आ जाती है उसमें से यदि भूसे को अलग करना होता है तो उड़ावनी कर देते हैं। उड़ावनी करने या फटकनी करने से या निष्पावन करने से क्या होता है कि पवनों या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी एवं हल्के अवयव हैं वो कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? इसी विधि को हम कहते हैं वायु द्वारा पृथक्करण की विधि, क्योंकि हवा चलती है तो भारी वस्तुओं को या भारी जो कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो हवा में उड़ करके और दूर गिर जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। अब स्टूडेंट, जो ये निष्पावन विधि है ये गुरुत्व पृथक्करण विधि भी यही कहलाती है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यदि भार ज्यादा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है, तो ज्यादा भार वाले जो पदार्थ होते हैं वो उड़ाते समय या उड़ावनी करते समय जमीन पर गिर जाते हैं और हल्के पदार्थ दूर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मिट्टी से जो सोने का जो अयस्क होता है, हालांकि सोने का अयस्क तो नहीं होता, सोने से एक विशेष प्रकार की मिट्टी से सोना मुक्त अवस्था में मिलता है, तो निष्पावन या बिनोविंग विधि में हम जल के द्वारा भी बहा करके सोना कैसे प्राप्त किया जाता है, जो मिट्टी होती है सोने से मिली हुई, इस मिट्टी को सोने के साथ में बहाया जाता है तो मिट्टी बह जाती है और जो सोना है वो बचा रह जाता है, इस प्रकार से सोना प्राप्त होता है। तो हम क्या कह रहे थे कि निष्पावन या बिनोविंग विधि को हम फटकनी, उड़ावनी या गुरुत्व पृथक्करण विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन कार्य करती है, ठीक है। अब यहां से एग्जाम्पल आपको कैसे आ सकते हैं कि निष्पावन या बिनोविंग या फटकनी विधि से आप किन पदार्थों को अलग कर सकते हैं, तो यहां ध्यान से सुनना, अनाज से भूसा अलग करना, पकाने से पहले दालों को फटकना या पकाने से पहले चावल को फटकना, या गेहूं को भूसे से अलग करना। आप खुद दिमाग लगाओ, गेहूं को भूसे से अलग करना है तो गेहूं को आप उड़ाओगे तो भूसा उड़ करके दूर जा गिरेगा और गेहूं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है। एक और उपकरण के बारे में कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है तो हमने उसको बताने का प्रयास किया है, कंबाइन हार्वेस्टर। स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का हार्वेस्टर होता है, वर्तमान समय में यही चल रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर, जो बड़े खेतों में से खड़ी फसल की कटाई भी कर देते हैं, उसी के साथ में थ्रेसिंग भी कर देते हैं और निष्पावन मतलब उड़ावनी भी एक साथ कर देते हैं, ठीक है। मतलब भूसे को भी, अनाज से डंठलों को, भूसे को और अनाज को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। आगे अब हम देखते हैं अगली जो विधि है उसका नाम है, अगली जो विधि हमने ली है इसका नाम है स्टूडेंट्स निस्यंदन, या इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या नाम है इसका? अगली जो विधि ली है हमने स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है? इसका नाम है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। अब ये निस्यंदन या फिल्ट्रेशन क्या कहलाता है? एक तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर का उपयोग यहां पर किया जाता होगा, और ये जो फिल्टर पेपर है इसका उपयोग किसी
स्टूडेंट्स हम ये कह रहे थे निस्यंदन, या इसको निस्यंदन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन या निस्यंदन में क्या होता है, एक तो होती है द्रव अशुद्धि और दूसरी होती है ठोस अशुद्धि। तो द्रव को ठोस से अलग करने की ये विधि कहलाती है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ठोस अशुद्धि को विलयन से अलग किया जाता है फिल्टर पेपर के माध्यम से। द्रव व उसमें अविलेय पदार्थों को अलग करना और गैसें भी अलग इससे की जाती हैं। अब आपको प्रश्न में क्या आना है, आपको प्रश्न में एग्जाम्पल ही आते हैं कि छन्नी या कपड़े से दूध को अलग करना, ठीक है, या छन्नी या कपड़े से दूध को छानना, या छन्नी या कपड़े से चाय को छानना, तो ये किस विधि से आप करोगे, तो यही कहलाता है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दूध का जो कचड़ा होता है वो भी अलग हो जाता है और चाय से जो चाय की पत्ती होती है ठोस रूप में वो अलग हो जाती है। ठीक है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन से ही आप और क्या कर सकते हो, भूमिगत जल का शुद्ध होना, भूमि में जो जल होता है वो रिस कर शुद्ध होता जाता है, तो फिल्ट्रेशन से ही होता है। आरओ का पानी भी इसी से शुद्ध होता है। रिफाइनरी में तेल साफ करना, ये भी इसी विधि से होता है। यदि बालू व चीनी आपस में, मतलब रेत और चीनी आपस में मिल गए हैं, तो पानी में रेत को घोल करके आप कुछ समय तक रख दें, तो क्या होगा कि जो बालू और चीनी होगी ये आपस में अलग अलग हो जाएगी, चीनी पानी में घुल जाएगी और बालू तली में बैठ जाएगी। ठीक है, और फिर आप इसको छान सकते हो। गुर्दे जो है वो जैविक फिल्टर का उदाहरण है और ये विधि भी गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। जल से मिट्टी को अलग करना, चूने के पानी से चूना अलग करना, और इस विधि को निथारना भी कहते हैं। निथारना, छानना अलग है और निथारना अलग है। तो ये एग्जाम्पल हो गए निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के। इसके बाद स्टूडेंट्स देख लेते हैं अगली जो विधि है, इसका नाम है अवसादन। ठीक है, और अवसादन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सोडिमेशन। ठीक है, अब ये अवसादन क्या कहलाता है, किसी तरल मतलब द्रव या गैस में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर के बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहलाता है। एक और इसका नाम है तलछटीकरण। ठीक है, और ये अपरदन की विपरीत विधि है। अब इस अवसादन विधि से आप कौन कौन से उपकरण मिश्रण को अलग कर सकते हो, तो किसी गंदे जल में विलय भारी अवयवों का नीचे तल में बैठ जाना, तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी तलछटीकरण है। यदि आपको जल शुद्ध करना है तो गंदे जल में जो भारी अवयव मिले हैं वो आप एक बाल्टी में भर करके रख दो, तो बहुत समय तक यदि वो रखे रहेंगे तो क्या होगा कि जो कचड़ा है वो जमीन में बैठ जाएगा और शुद्ध जल वहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या जो घुना हुआ अनाज होता है या जो बेकार अनाज होता है, अपन दाल या चावल बनाते समय दाल या चावल को धोते हैं, पानी में डालते हैं, तो घुना अनाज या घुना जो चावल या दाल होते हैं वो पानी डालने पर ऊपर आ जाता है, तो ये विधि क्या कहलाती है, अपसादन। जो अच्छे वाले दाने होते हैं वो नीचे जमीन में बैठ जाते हैं। ठीक है, और अवसादन के बाद जो की जाने वाली क्रिया होती है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निस्तारण। ठीक है, तो अवसादित पदार्थ को बिना हिलाए जो गंदा पानी है उसे बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेलने की क्रिया अवसादन कहलाती है, उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। ठीक है, मतलब जो बाल्टी में पदार्थ भरे हुए हैं, हमने बहुत समय पहले उनको रात में रख दिया था भर करके, ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसमें बस इतना है कि छन्नी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब अवसादी पदार्थ को बिना हिलाए जो गंदा पानी है उसे बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेलने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है, और यह क्रिया अवसादन के तुरंत बाद की जाती है। अब निस्तारण के द्वारा आप कौन कौन से मिश्रण के अवयवों को पृथक कर सकते हो, रेत को जल से अलग करना है तो रात में बाल्टी में भरकर यदि आप रेत को जल में भरकर रख देते हो तो क्या होता है, सुबह तक रेत के कण जमीन में बैठ जाते हैं और उसके बाद में आप निस्तारण उस पानी को अलग कर सकते हो, तो रेत आपकी बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली जो विधि है इसका नाम है अपकेंद्रण विधि। और अपकेंद्रण जो विधि है ये अपकेंद्र बल पर आधारित है। अपकेंद्र जो बल होता है स्टूडेंट्स, ये वृत्तीय गति कर जब कोई वस्तु कर रही होती है तो अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र की ओर, लेकिन जो अपकेंद्रण बल होता है ये लगता है बाहर की ओर स्पर्शरेखीय दिशा में। तो अपकेंद्रण विधि से किन पदार्थों को अलग किया जा सकता है, जिन पदार्थों के घनत्व अलग अलग होते हैं, मतलब सघनता अलग अलग होती है। ठीक है, जिन पदार्थों के घनत्व अलग अलग होते हैं उनको अपकेंद्रण विधि से अलग किया जाता है। अपकेंद्री बल का
इसकी एक परिभाषा और है, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने की विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, अब जो अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय विधि है इस पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं, तो अपकेंद्रित क्रीम पृथककारी, ठीक है, क्रीम पृथककारी जिससे दूध से क्रीम अलग की जाती है। अपकेंद्र सूसक, मतलब ये अपकेंद्र सूसक लैंड्रियों में, बड़ी बड़ी लैंड्रियों में कपड़े सुखाए जाते हैं। ठीक है, मथित्र, मथित्र मतलब मठा, जिसको हम मही निकालते हैं, मठा भाने के का एक उपकरण है, लकड़ी का बना होता है, इसे मथित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सब अपकेंद्रण विधि पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपकेंद्रण विधि में होता क्या है, क्या क्या आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, तो पहला यहां लिखा है दूध से मक्खन निकालना। ठीक है, कोलाइड बिलियन होते हैं, तो क्या होता है कि जब इसको गोल गोल घुमाया जाता है तो जो मक्खन होता है ये दूर इसके दाने छटक करके और दूर स्पर्श रेखी दिशा में निकल जाते हैं। तो दूध से मक्खन निकालना, ध्यान से सुनना, ठीक है, दूध से क्रीम निकालना, लैंड्रियों में कपड़े सुखाना, ये पानी स्पर्श रेखी दिशा में दूर फेंक जाता है, जब हम अपनी वॉशिंग मशीन में भी गोल गोल उनको जब घुमाते हैं, मशीन जब घूमती है तो लैंड्रियों में कपड़े भी इसी सिद्धांत के आधार पर सूखते हैं। चिकित्सा शास्त्र में जीवाणु को विषाणु से अलग भी किया जाता है अपकेंद्रण विधि द्वारा, क्योंकि उनमें घनत्व में अंतर होता है। ठीक है, रक्त से रक्त कोशिकाओं को अलग करना, ये भी अपकेंद्रण विधि द्वारा, और ये मथित्र, अपकेंद्रित और क्रीम पृथककारी, ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चीनी कारखानों में चीनी से जल अलग करना, ये भी अपकेंद्रण विधि द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगली विधि का नाम है क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन, ये अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण व शुद्धिकरण जिस विधि से किया जाता है उसे हम क्रिस्टलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध ठोस प्राप्त होता है या शुद्ध जो मिश्रण होता है, इसको हम उचित विलायक के साथ में गर्म करते हैं, वो गर्म करने के बाद में छान कर इसे ठंडा कर लिया जाता है, इसे ठोस द्रव विलगित तकनीक भी कहते हैं, क्रिस्टलन। अब क्रिस्टलन से मुख्यतः क्या प्राप्त किया जाता है, या तो जो चीनी है चीनी को शुद्ध किया जाता है क्रिस्टलन विधि से, क्योंकि चीनी के भी क्रिस्टल होते हैं, हालांकि क्रिस्टल तो आप जानते होंगे ऐसे पदार्थ होते हैं क्रिस्टल जिसमें अणु परमाणु और आयन एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, उनको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो इसमें इसके उदाहरण क्या है क्रिस्टलन विधि के, कैसे कैसे पदार्थों को आप अलग कर सकते हो, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना, ये क्रिस्टलन से प्राप्त कर सकते हो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टीकरण होता है, ठीक है, और मिश्री का बनना और शक्कर का बनना, या शक्कर का या चीनी का शुद्ध होना क्रिस्टलन के कारण ही संभव हो पाता है। अगली विधि देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है क्या, डिस्टिलेशन, या इसको कहते हैं आसवन विधि। आसवन विधि से ऐसे दो पदार्थों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। क्वथनांक मतलब कहलाता है स्टूडेंट्स वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, मतलब वो बाष्प में बदलना शुरू कर देता है, उस ताप को जिस पर कोई द्रव उबलता है या बाष्प बनने लगती है उस ताप को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। तो आसवन मुख्यतः पांच प्रकार का होता है, लेकिन हमें केवल दो प्रकार का आसवन ही पढ़ना है, टोटल मिलाकर तीन प्रकार का, सरल आसवन, प्रभाजी आसवन और भाप आसवन। ठीक है, तो आसवन की परिभाषा को देख लेते हैं, दो ऐसे द्रवों को अलग किया जाता है आसवन विधि के द्वारा जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, आसवन पांच प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक द्रव को हम गर्म करते हैं तो जब वो अपने ताप पर पहुंच जाता है तो वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और दूसरा द्रव उसी स्थान पर, उसी परख नली या जहां आप जिस पात्र में रख रहे हो उसमें रह जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, द्रवों को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और अलग अलग पात्रों में इकट्ठा किया जाता है, बाद में ठंडा कर देते हैं, तो जो भी अलग अलग हुआ है वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। ये भी एक भौतिक विधि है, ये कोई आसवन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, और इस प्रक्रिया में वाष्पन व संघनन दोनों एक साथ होती है। पहले वाष्प बन के उड़ती है और फिर ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। वर्षा भी इसी क्रिया के कारण होती है, आसवन के ही कारण। ठीक है, तो आसवन की प्रक्रिया जो होती है इसके उदाहरण क्या क्या है, तो मदिरा बनाना, शराब बनाना, शुद्ध जल, या शुद्ध जल को हम आशुद्ध जल कहते हैं, डिस्टिल वाटर प्राप्त करना, डिस्टिल वाटर भी स्टूडेंट्स, डिस्टिल वाटर भी इसी से प्राप्त किया जाता है, जल से एसीटोन को अलग करना, ठीक है,
और जल से अल्कोहल को अलग करना। अब क्या होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अल्कोहल जल्दी ही, जैसे ही हम गर्म करते हैं अल्कोहल और जल मिले हुए, तो अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाष्प बनकर दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाता है और जल उसी पात्र में बना रहता है। ठीक है, वर्षा भी इसी कारण से होती है क्योंकि समुद्रों से पहले क्या होता है, जल का बाष्पन होता है, इसके बाद बाष्प ऊपर उठ करके ठंडी होती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर वर्षा होने लगती है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं प्रभाजी यासवन। यासवन का ही एक प्रकार है, ऐसे द्रवों को अलग करने में जिनकी क्वथनांकों के बीच 25 केल्विन ताप का अंतर होता है, प्रभाजी यासवन का उपयोग किया जाता है। अब प्रभाजी यासवन में आपको याद रखना है स्टूडेंट, पेट्रोलियम से प्राप्त जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे डीजल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, या कोल तार है, या मोम है, ये पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद होते हैं इनको प्रभाजी यासवन विधि से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना, प्रभाजी यासवन पेट्रोलियम के जो संघटक या घटक अवयव होते हैं इनको किस विधि से, तो इनको हम प्रभाजी यासवन विधि से अलग करते हैं। और जो प्रभाजी यासवन विधि है ये कहाँ उपयोग की जाती है, तेल शोधक सभी कारखानों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। जो जलीय वायु होती है, मतलब जो नमी वाली हवा होती है, ठंडी हवा, इससे गैसें भी प्रभाजी यासवन के द्वारा ही निकाली जाती है। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब वही कच्चा तेल कहलाता है, और पेट्रोलियम तेल का शोधन भी, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम तेल का शोधन भी प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। एक आसवन का प्रकार और होता है, उसका नाम है भाप आसवन। ऐसे कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आसवन से, जो जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन भाप के साथ में ये बाष्पशील होकर ऊपर उड़ जाते हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। यदि यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो आप जरूर करें। अगली विधि देखते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वपातन इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह गर्म करने के बाद द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाए। ठीक है, किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदले बिना यदि सीधे गैस में बदल जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। क्योंकि जनरली ये होता है कि जब हम किसी ठोस को पिघलाते हैं तो पहले द्रव बनता है या द्रव बनना ही चाहिए, लेकिन ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम उस ठोस को गर्म करते हैं तो वो सीधा काय बदल जाता है गैस अवस्था में। यह क्रिया या यह विधि क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक, यहां और लिखा है गैस को ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, खैर, पर आप याद रख सकते हो गैस को ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाता है, पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो इसके अनुसार नहीं है। अब इसके ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित, ऐसे पदार्थ जो इस प्रकार की अवस्था में बदल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कपूर का ठोस अवस्था में सीधे, देखो कपूर ठोस अवस्था में रहती है और जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलता नहीं है, सीधे बाष्प बनकर उड़ जाता है, आपने देखा होगा पूजा आरती के समय। फिनाइल की गोली को जब हम कपड़ों में रखते हैं तो जो फिनाइल की ठोस गोली होती है वो भी सीधे के सीधे द्रव अवस्था में बगैर बदले, और फिनाइल की गोली जब हम कपड़ों में रखते हैं तो द्रव अवस्था में बिना बदले गैस बनकर वो उड़ जाती है, वो समाप्त हो जाती है। जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है उन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और मुख्यतः जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं इनकी ट्रिक है। यहां से आपको प्रश्न आता है कभी कभी कि निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातज पदार्थ है या नहीं है, तो इसकी ट्रिक क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थों की अनेक आय। ठीक है, अनेक आय, तो यहां स्टूडेंट्स आ से बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड, आ से अमोनियम क्लोराइड, ने से बनेगा यहां नेफ्थेलीन, ठीक है, का से बन जाएगा यहां कपूर, आ से बन जाएगा आयोडीन, से बन जाएगा एंथ्रासीन। तो जितने भी हमने ये नाम बताए हैं यहां पर लिखे हैं, कपूर, आयोडीन, नेप्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सभी के सभी पदार्थ कैसे हैं, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, मतलब यदि इनको गर्म किया जाए तो ये सीधे द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इससे ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वपातित होता है और दूसरा नहीं। ठीक है, आगे देखते स्टूडेंट्स, एक विधि और है, दो विधि और बची है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या है, तो बाष्पीकरण से ऐसे पदार्थों को अलग करता, बाष्पीकरण तो वैसे आप जानते होंगे कि मुख्यतः बाष्पीकरण का उपयोग जल गर्म करने से संबंधित होता है, जो नदियों का, तालाबों का या समुद्रों का जो पानी होता है जब ये गर्म होता है तो गर्म होकर ये बाष्प बनकर ऊपर उड़ती है, और इस घटना को, जल का बाष्प में परिवर्तित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बाष्पीकरण की सिंपल परिभाषा। अब बाष्पीकरण क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ बाष्पीकरण से कैसे पदार्थों को अलग करते हैं ये समझ लें आप। ऐसे पदार्थों को बाष्पीकरण विधि से अलग करते हैं, ठीक है,
जो विलायक से विलेय पदार्थ को जब विलयन को क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है। मतलब जो विलायक होता है जिसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है, जब उसे गर्म किया जाता है तो जो विलायक है जिसमें वो घुला हुआ है इसका हो जाता है वाष्पीकरण, और जो विलेय पदार्थ है जिसमें वो घोला गया था वो बर्तन में बचा रहता है। जैसे नमक को जल से अलग करना, किसी तत्व या यौगिक की गैसीय अवस्था में परिवर्तन करना, ठीक है, चीनी व जल के घोल को अलग अलग करना, तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, वाष्पीकरण विधि। स्टूडेंट्स एक विधि और बची है, वर्ण लेखन या क्रोमोटोग्राफी। यहां क्रोमो का अर्थ होता है रंग, क्या होता है, वर्ण लेखन। क्रोमो का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में रंग। तो किसी भी द्रव मिश्रण में विभिन्न घटकों को अलग, किस ध्यान से सुने, किसी भी द्रव मिश्रण में द्रव द्रव होगा इसमें विभिन्न घटकों को अलग करना क्रोमोटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब क्रोमो मतलब एक चीज तो आप ध्यान से सुनना, रंग तो लिखा ही होगा, तो ठीक, इस क्रोमोटोग्राफी या वर्ण लेखन इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इससे कौन कौन सी चीजों को आप अलग कर सकती हो, खून से दवाओं को अलग करना, मतलब खून में रक्त में यदि दवाएं मिल गई हैं, ठीक है, तो क्रोमोटोग्राफी से अलग हो जाएगा। डाई, जो बालों को रंग करने वाली जो डाई होती है, डाई के रंगों को अलग अलग करना है तो क्रोमोटोग्राफी विधि का उपयोग होगा। या प्राकृतिक रंगों से जो रंग द्रव्य है इनको अलग अलग करना है तो क्रोमोटोग्राफी का उपयोग होगा, या दो मिले हुए रंगों को अलग अलग करना है तो क्रोमोटोग्राफी का उपयोग होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमने बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बता दिया है, ठीक है, हालांकि समझ में आ गया होगा, बहुत सी विधि हमने बताई पर इतनी एक साथ आपको आना नहीं होती है। यहां हमने 1, 2, 3, 4, 5 क्रमांक दे देते हैं, 2, 3, 4 और ये 5, यहां हमने 5 प्रश्न आपसे पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख करके बताएं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।